गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 125 इन योर मैथ्स बुक टुडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट फाइव ऑफ यूनिट इलेवन फ्रैक्शन एंड नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट वी वी हैव हैव टू टू डू फाइंड द द डिफरेंस ऑफ गिवन फ्रैक्शन डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस सब्ट्रैक्शन ओके okay? मतलब हमें जो फ्रैक्शन दी हैं उनको हमें सबट्रैक्ट करना है माइनस करना है इन द प्रीवियस वर्कशीट हमने क्या किया था एड किया था और अब क्या करना है सब करना है आपको दिख भी रहा है ना माइनस का साइन है तो सेवन बाय नाइन माइनस टू बाय नाइन हमें सॉल्व करना है बिल्कुल सेम वे में सॉल्व होगा जैसे हमने एडिशन के केस में किया था सेम प्रोसीजर फॉलो होगा बस प्लस की जगह क्या आ गया माइनस आ गया तो मतलब एडिशन की जगह बस हमें सब्ट्रेक्शन करना है प्रोसीजर एज इट इज फॉलो होगा सो फर्स्ट Firstly, mention the worksheet, start the question, and then part A 7 by 9 minus 2 by 9. तो जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर एज एट इज आ जाता है ना चाहे कितनी भी फ्रैक्शन हो अगर डिनोमिनेटर सेम है हमारा इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्टशन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वन टाइम रिपीट हो जाएगा ओनली वन ही टाइम और जो न्यूमरेटर टर्म है वो एज एट इज सॉल्व होंगी मतलब अगर एडिशन है तो एडिशन हो जाएगा सब्ट्रैक्शन है तो सबट्रैक्शन तो यहाँ सेवन माइनस टू है ना न्यूमरेटर में तो सेवन माइनस टू आ जाएगा नाइन के ऊपर तो मतलब न्यूमरेटर में तो क्या आ गया सेवन माइनस टू एंड बाई में कंप्लीट के बाय में नाइन तो सेवन माइनस टू क्या बन गया फाइव फाइव बाय नाइन ये ध्यान रखा करो कि ये कंप्लीट के बाय में है ठीक है ये लीव मत किया में हम करेंगे, 7 10 4 10. तो मतलब टेन तो एक बार आ जाएगा और कंप्लीट के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सेवन माइनस फोर एज इट इज तो सेवन माइनस फोर इज थ्री मतलब थ्री बाय टेन ओके सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन वन इन योर फेयर नोटबुक थैंक यू